So hi guys, my name is Pen and this is Jen. तो आज guys, हम लोग सालार का रिव्यू करेंगे. मीन सालार का हम लोग वेट कर रहे थे. सालार आ रहा है ना. प्रभास आ रहा है फिर से आदिपुरुष के बाद इतना बड़ा फ्लॉप के बाद. आई होप प्रभास भाई को हम फिर से जैसे हम बाहुबली में देखते थे और छत्रपति में देखते थे. छत्रपति अच्छा अच्छा बाहुबली 1-2 में देखे थे. तो पुराना वाला प्रभास को और आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज अगेन वर्किंग विथ साउथ इंडस्ट्री राइट. It's a movie from South India. That's why I'm very interested about this. So let's आप लोग सोच सकते हैं कि सालार के लिए हम लोग पूरा अपने मदर टंग चेंज कर दिए. मदर टंग चेंज नहीं हुआ पर लैंग्वेज चेंज हुआ है. सो लेट्स बिगिन. वो भी उसके लिए है. वो तो भाई मेन है फोकस. हाँ पर बोलेंगे नहीं क्या हम लोग. सो लेट्स बिगिन. हाँ चल 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 चलो. टाइम बहुत नष्ट हो गया. I like the look and feel and the way he like catches the swords. Like I can't do that. Where is the like a body hand? What hand? That. So he's oh sorry. He's like doing that. There's a scene. No. तापर एंड उसके बाद जो पंच वाला सीन था ऐसा साइड व्यू करके उसके हाथ में ब्लड का था रखती है तो बहुत अच्छा लगा. बंगाली है तो बहुत ही अच्छा लगा टीजर. हम लोग देखेंगे ट्रेलर के लिए. एक्साइटमेंट तो बहुत बढ़ गया. तो है यार रिलीज करेगा 28 को ना 28 सितंबर को. नहीं वीडियो अच्छा हुआ या बुरा हुआ पर हुआ तो है. बहुत लेजी हुआ. सुबह वीडियो बहुत लेजी होता है भाई. ये तो मन नहीं है. सुबह उठ के सालार के देखेंगे इसलिए. तो 4 मिनट होने को है. हाँ ट्रेलर अच्छा ही था. तुझे कैसा लगा ट्रेलर? मिस 5 बजे टीजर 5 बजे के उठने के लायक नहीं है. इतना बहुत छोटा था भाई. जो भी था बहुत छोटा था. तो ये 5 बजे सब लोग देख रहे थे. मैं देख रहा था 1 लाख के ऊपर लोग देख रहे थे पर इतना भी नहीं है. पर केजीएफ के साथ क्रॉसओवर होगा कि नहीं ये पता नहीं चला. वो भी है पर एक डायलॉग था फिर केजीएफ 2 के तरह ही एक डायलॉग था. डायनासोर के लेके जुरासिक पार्क में ये सब कुछ नहीं है. डायनासोर से चीता पता नहीं. मुझे लगा था कि क्रॉसओवर का भी कोई एक साइन देगा. अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना. तो बाय. तुम ही बाय बोल दो.